और बरेली में छोटे छोटे बच्चों ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 108 गुल्लक दान किए हैं। बच्चों को जैसे ही जानकारी हुई कि राम मंदिर निर्माण के लिए उनके क्षेत्र में निधि समर्पण कैंप लगा है, ये बच्चे पहुंचे, सभी बच्चों ने अपनी गुल्लक दान कर दी। तो देखिए, ये भी एक तस्वीर है, देश भर में समर्पण अभियान चल रहा है और ये बच्चे थे 108 गुल्लक लेकर पहुंचे और उन्होंने अपने अपने हिस्से की राशि समर्पित की। रमा शंकर विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण है चल रहे देश और दुनिया में निधि समर्पण अभियान के इस कार्यक्रम के निमित्त आज 108 बालकों ने अपनी जमा पूंजी गुल्लक राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए दिया। इस गुल्लक में भले राशि कम हो लेकिन भावना जो करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए दिए हैं उनसे भी ऊपर उठ करके यह कार्य हुआ है। और हमीरपुर में एक प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर पूरा गांव फूट फूट कर रोया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या पुरुष और महिलाएं, हर किसी की आंखों में आंसू बह रहे थे। माहौल ऐसा था कि प्रिंसिपल साहब भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए। बैंड बाजा है, पब्लिक का हुजूम है, देखिए इस भीड़ में हर कोई गमगीन है। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं और बड़े भी हैं। आंखों से टपकते आंसू हैं, उन्हें रोकने की कोशिश के लिए हाथों में रुमाल है। बार बार पोंछते हैं लेकिन आंसू हैं कि रुकने को तैयार नहीं है। किसी बेटी की विदाई नहीं, यहाँ गुरु जी के जाने का गम है। तस्वीरें हमीरपुर के धरौपुर गांव की है। यहां के नवीन प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात भीष्म नारायण का ट्रांसफर हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा। बेटियों की विदाई तो आपने देखी होगी लेकिन किसी शिक्षक की ऐसी विदाई आपने अब से पहले कभी नहीं देखी होगी। माँ बाप रो रहे, बेटे बेटियां रो रही, जिन गुरुजी की विदाई हो रही है वो गुरुजी रो रहे हैं। गांव की महिलाओं और बेटियों ने अपने गुरुजी को तिलक लगाकर भारी मन से विदा किया। प्रिंसिपल साहब ने भी एक पिता की तरह बेटियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटियां भी गुरुजी के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कितना गम है लोगों में अपने प्यारे प्रिंसिपल की जुदाई का, खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। हमारे यहाँ 12 साल सब्जी ने यहाँ पे सेवा की, हमारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छी तरीके से रहे, कोई उनका दुराभाव नहीं रहा, एक दूसरे के प्यार से सब लोग रहे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहे। और प्लस एक बार हम ट्रांसफर भी सर जी का हो गया था तो इतना प्यार होने के कारण हम लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने उनको ट्रांसफर रुकवाया। 12 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाया। 12 साल तक नवीन प्राथमिक विद्यालय में बतौर प्रिंसिपल अपनी सेवा देने वाले भीष्म नारायण का इन ग्रामीणों से और इस स्कूल से कैसा मोह था वो आप इस तस्वीर को देख कर समझिए। शिक्षा के मंदिर की दहलीज को पार करते ही इस पुजारी ने झुककर प्रणाम किया। ना ये नेता है ना अभिनेता है, ये जनता के दिलों पर राज करने वाले वो शिक्षक है जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर आता है। यही वजह है कि एक बार पहले भी इन लोगों ने बीएसए दफ्तर पर जाकर भीष्म नारायण का ट्रांसफर रुकवा दिया था, लेकिन इस बार जब विदाई पक्की हो गई तो फिर ग्रामीण गमजदा हो गए और फिर इस तरह से प्रिंसिपल भीष्म नारायण को विदा किया। एक शिक्षक के प्रति ग्रामीणों का और ग्रामीणों के प्रति एक शिक्षक का ऐसा प्रेम और समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। विकास पुरवार, हमीरपुर, एबीपी गंगा। और अब बलरामपुर से सिस्टम पर सवाल करने वाली खबर। बलरामपुर में अफसर और फील्ड में योजनाओं को परवान चढ़ने वाले कर्मचारी फर्जीवाड़ा करने में जुटे हैं।
यहाँ 2019-20 में लड़कियों की शादी के लिए मिलने वाले शादी अनुदान योजना का लाभ सिर्फ अपात्रों को दे दिया गया। जांच शुरू होने पर अब अधिकारी अपनी गर्दन बचाने में जुटे हुए। पड़ी थी जिसके जांच उपरांत पता चला कि अनेकों जो युवती होती हैं उनको अपात्र होने के बावजूद भी शादी अनुदान का लाभ दिया गया है, जो कि गलत बात है और उसकी ऊपर जांच भी हुई है। जांच में अभी दूसरी बार नोटिस दिया जा चुका है और जो कोई भी वहां पे ग्राउंड लेवल पे गलत सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करी जाएगी। और अब बात फतेहपुर के, जहां पर तिवारीपुर गांव में कब्रिस्तान के अंदर 10 फीट का जिगर निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों की दी। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आप देखें किस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर ये 10 फीट का जिगर मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और उसे पकड़ लिया। तो फतेहपुर की तस्वीर है जहां पर 10 फीट का अजगर देखा गया। लोगों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी और हर कोई हैरान था रिहायशी इलाके में इतने बड़े अजगर को देखकर। कहाँ से कुछ पता भी नहीं है ये।